श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 59वां भौमासुर का उद्धार और 16,100 राजकन्याओं के साथ भगवान का विवाह। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने उन स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का वह विचित्र चरित्र सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर सबके राजा इंद्र द्वारका में आए और उसकी एक एक करतूत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत ही कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किले बंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, इसके बाद आग या बिजली की चार दीवारी थी और उसके भीतर वायु गैस बंद करके रखा गया था। इसके भी भीतर मुर दैत्य के नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर और सुदृढ़ फंदे बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डाला और शस्त्रों की मोर्चेबंदी को भी बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारी को तहस नहस कर दिया और मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग कर दिया। जो बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगाई हुई थी उनको तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया और नगर के परकोटों को गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वस्त कर डाला। भगवान के पंचजन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली की कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके पांच सिर थे और अब तक वह जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। वह इतना भयंकर था कि उसकी ओर आँख उठाकर देखना भी आसान काम नहीं था। उसने त्रिशूल उठाया और इस प्रकार भगवान की ओर दौड़ा जैसे सांप गरुड़ जी पर टूट पड़े। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो वह अपने पांचों मुखों से त्रिलोकी को निगल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर अपने पांचों मुखों से घोर सिंहनाद करने लगा। उसके सिंहनाद का महान शब्द पृथ्वी, आकाश, पताल और दसों दिशाओं में फैलकर सारे ब्रह्मांड में भर गया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मरु दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है। तब अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्होंने दो बाण मारे जिससे वह त्रिशूल कटकर तीन टूक हो गया। उसके साथ ही मूर दैत्य के मुख में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे। इससे वह दैत्य अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और उसने भगवान पर अपनी गदा चलाई, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूर दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने के पहले ही चकनाचूर कर दिया। अब वह अस्त्रहीन हो जाने के कारण अपनी भुजाएँ फैलाकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा और उन्होंने खेल ही खेल में चक्र से उसके पाँचों सर उतार लिए। सर कटते ही मूर दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और वह ठीक वैसे ही जल में गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज्र से शिखर कट जाने पर कोई पर्वत समुद्र में गिर पड़ा हो। मूर दैत्य के सात पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो उठे और फिर बदला लेने के लिए क्रोध से भरकर शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो उठे और पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ आए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड़ग, गदा, शक्ति, ऋषि और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, भगवान की शक्ति अमोघ और अनंत है। उन्होंने अपने बाणों से उनके कोटि कोटि शस्त्रास्त्र तिल तिल करके काट गिराए। भगवान के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों के सिर, जांघें, भुजा, पैर और कवच कट गए और उन सभी को भगवान ने यमराज के घर पहुंचा दिया। जब पृथ्वी के पुत्र नरकासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोध हुआ। वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मदवाले हाथियों की सेना लेकर नगर से बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित हैं। जैसे सूर्य के ऊपर बिजली के साथ वर्षाकालीन श्याम मेघ शोभायमान ना हो, भौमासुर ने स्वयं भगवान के ऊपर शतघ्नी नाम की शक्ति चलाई और इससे सब सैनिकों ने भी एक ही स्थान उन पे अपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे तीखे बाण चलाने लगे। इससे उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएँ
जंगा, गर्दन और धड़ कट कट कर गिरने लगे। हाथी और घोड़े भी मरने लगे। परीक्षित, भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो जो अस्त्र शस्त्र चलाए थे उनमें से प्रत्येक को भगवान ने तीन तीन तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे और गरुड़ जी अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। उनकी चोंच, पंख और पंजों की मार से हाथियों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब के सब आर्त होकर युद्ध भूमि से भागकर नगर में घुस गए। अब वहां अकेला भौमासुर ही लड़ता रहा। जब उसने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर मेरी सेना भाग रही है, तब उसने उन पर वह शक्ति चलाई जिसने वज्र को भी विफल कर दिया था। परंतु उसकी चोट से पक्षीराज गरुड़ तनिक भी विचलित ना हुए, मानो किसी ने मतवाले गजराज पर फूलों की माला से प्रहार किया हो। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल होते जा रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु उसे अभी वह छोड़ भी ना पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर करीट के सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी और आदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल, जो तपाए हुए सोने के एवं रत्न जटित थे, भगवान को दे दिए तथा वरुण का छत्र तथा साथ ही एक महामणि भी उनको दी। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभो, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, आप कमल की माला पहनते हैं, आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं, आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वासुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। प्रभो, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कट रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सत्वगुण को स्वीकार करते हैं, परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं तथा उन तीनों से परे भी हैं। भगवन, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और महतत्व, कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। शरणागत भय भंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भक्त दत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है, मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभो, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा, तब वे मोहित हो गई और उन्होंने उनकी अहेतु की कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपने परम प्रियतम पति के रूप में वर्णन कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यही निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति न्यौछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों से द्वारका भेज दिया
और उनके साथ ही बहुत से खजाने, रथ, घोड़े और अतुल संपत्ति भी भेजी। एरावत के वंश के उत्पन्न हुए अत्यंत वेगवान चार चार दांतों वाले सफ़ेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प वृक्ष उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीत कर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा अत्यंत बढ़ गई। कल्प वृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारका में चले आए। परीक्षित, देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तब तो उसने अपना सिर झुकाकर मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी, परंतु जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उनमें धन का है, धिक्कार है ऐसे धन का। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में दिव्य सामग्रियां भरी हुई थी, जिनके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिकता की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मनंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रहकर गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता हो। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को और उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम, प्रेम लाभ तथा भाव बढ़ाने वाली लज्जा से युक्त होकर सब प्रकार से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महलों में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बिठाती, उत्तम सामग्रियों से पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान की सेवा करती। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 10वां अध्याय 59वां समाप्त।